हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल क्या फैसला सुनाया, तो ओबीसी की 18 जातियों को एससी में शामिल करने का उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके खिलाफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ग्रंथालय एवं जन समिति ने एक याचिका दाखिल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इसी की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी की 18 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर के नोटिफिकेशन रद्द कर दिया। दोस्तों ये जो फैसला है वो 31 अगस्त यानी बुधवार के दिन जो है सुनाया गया है। दरअसल दोस्तों इससे पहले की अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश सरकार के पहले भी ओबीसी की 18 जातियों को एससी में शामिल करने की बात जो है की गई थी। इससे पहले मुलायम सिंह यादव की सरकार में और अखिलेश यादव की सरकार में भी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस बार यानी कि 31 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे मुनीर की डिवीजन में ये फैसला हुआ है। दोस्तों जो याचिकाकर्ता है उसने ये दलील दी है कि ओबीसी की जो जातियां हैं उनको एससी कैटेगरी में शामिल करने का अधिकार केवल भारत की संसद को है और राज्यों को इस मामले में कोई अधिकार नहीं मिला है। इसी के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो ओबीसी की 18 जातियां हैं उन्हें एससी सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है। दोस्तों ओबीसी की अगर हम बात करें कि कौन सी जो 18 जातियां थीं जिन्हें एससी में शामिल करने की बात कही जा रही थी, तो ये जातियां थीं ओबीसी की मझवार है, कहार, कश्यप, केवट, मल्ला, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमन, बाथम, तुरहा, गोडिया और मांझी, मजुआ। ये जो 18 जातियां हैं इनको एससी में शामिल करने का नोटिफिकेशन राज्य सरकार की ओर से जारी किया गया था। दोस्तों इस बार योगी सरकार ने 24 जून 2019 को ये नोटिफिकेशन जारी किया था कि ओबीसी की 18 जातियों को एससी में शामिल किया जाए। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो 21 और 22 दिसंबर 2016 को तत्कालीन अखिलेश सरकार ने भी ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन जो है कड़े विरोध के चलते ये जो फैसला है वो वापस लेना पड़ा था। और इससे पहले 2005 में मुलायम सिंह यादव ने भी जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन अभी तक जो है ओबीसी की इन 18 जातियों को एससी में शामिल जो है नहीं किया गया है, क्योंकि इसके चलते काफ़ी विरोध भी जो है किया गया था। तो आपको आज की ये अपडेट कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।